प्रूफ ऑफ होल्डर्स लेमा, सिंस वी हैव, ये आपको दिस इज इनइक्वालिटी दैट यू हैव टू रिमेंबर, ए इनटू बी इज लेस देन और इक्वल टू ए रेज टू पावर पी अपॉन पी, बी रेज टू पावर बेटा, व्हाटएवर वैल्यूज ऑफ पी यू विल पुट हियर, दिस विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी एंड विद द कंडीशन दैट पी एंड क्यू मस्ट बी लाइंग बिटवीन 1 एंड इंफिनिटी, राइट। नाउ क्या करना है आपने, ऑन टेकिंग ए इज इक्वल टू एक्स आई, ए की वैल्यू पुट करनी है आपने, ये समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n, एक्स आई रेज टू पावर पी होल रेज टू पावर 1 बाय पी, या आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सो यू कैन राइट लेट ए इज इक्वल टू एक्स आई अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स पी, राइट, एंड बी इज इक्वल टू वाई आई मॉड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई नॉर्म, और यहाँ पे बेटा क्यू आ जाएगा, राइट, फॉर ऑल आई 1 2 सोन अप टू एन, राइट। अब बेटा अब उसमें पुट कर दीजिए, पुट करेंगे बेटा ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, सो दिस इज एक्स आई वाई आई, ए इंटू बी है, दिस इज नॉर्म ऑफ एक्स पी, दिस इज नॉर्म ऑफ वाई क्यू, राइट, सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू, हाँ जी। अब अगली है a raise to power p, मतलब mod of alpha i raise to power p, और नीचे क्या आएगा बेटा, norm of xp, ये तो subscript है और साथ में इसके power आ जाएगी, right, plus yi raise to power q upon norm of yq, यहाँ पे भी क्या है q, right, पीछे for all i so on up to n तक जाएगा। उसके बाद बेटा जी क्या करना है आपने, अब ये जो जितने भी आपके पास ये आई हैं बेटा, इन सब का सम अप कर देना है, ठीक है जी। सो सम अप ऑल द वैल्यूज फ्रॉम आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, सो यू विल राइट टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड्स from 1 to n in above inequality, ठीक है जी। so क्या करेंगे, sum up कर दिया तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, summation i running from 1 to n, here is x i mod, here is y i mod, और नीचे norm of alpha p, और यहाँ पे this is norm of, this is norm of xp, और यहाँ पे norm of yq, right? और इधर आपका क्या बन जाएगा, summation करके, summation i running from 1 to n, xi raised to power p, बच्चे यहाँ पे क्या है, so you have norm of xp power p, and here summation i running from 1 to n, yi, it's yi beta, yi raised to power q upon norm of yq, और ये भी yq, बट ठीक है जी, दिस विल रिमेन सेम, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, सो दिस इज इक्वल टू, यू कैन राइट हियर, दिस इज इक्वल टू बेटा ये क्या है, व्हाट इज दिस इज नॉर्म ऑफ xp पावर p, और नीचे वाला भी एज इट इज, मैं अभी इसको बताती हूँ कैसे बना, और ये क्या है, दिस इज नॉर्म ऑफ yq डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ yq, राइट। अब ये देखिए, ये मैंने इसकी जगह पे ये क्यों लगाया है, मैंने समेशन की जगह पे नॉर्म ऑफ xp क्यों लगाया है, आपके पास बच्चे नॉर्म ऑफ xp का फॉर्मूला होता है समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n, ये जनरल बता रही हूँ बेटा, जो आपने रीजन साइड पे लिखना है, होल रेज टू पावर 1 बाय पी, ठीक है। जब ये पावर आपकी, जब ये वाली जो पावर है ये आपकी यहाँ आएगी, तो ये बन जाएगा नॉर्म ऑफ xp, यहाँ p, और उसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, समेशन आई रनिंग फ्रॉम ये, तो जहां पे बच्चे इनइक्वालिटी में ये था, मैंने उसकी जगह पे ये इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। सो उसके बाद आपके पास क्या बना, इधर था समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, एक्स आई मॉड वाई आई मॉड, नीचे नॉर्म ऑफ xp, इधर था आपके पास yq, सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू, और इधर बन गया आपके पास ये, राइट,
नीचे भी यही सेम पड़ा हुआ था, प्लस नॉर्म ऑफ वाई क्यू, यहाँ पे भी क्या है नॉर्म ऑफ वाई क्यू, राइट। सो दिस इज इक्वल टू, हाँ जी आपस में कैंसिल हो गए बेटा जी, ये वन प्लस वन, ये वन प्लस वन आपके पास बचा, वन प्लस वन बचा आपके पास, क्या बचा, ये आपके पास अल्टीमेटली सॉल्व करके जो है वो आपके पास बनेगा वन बाय ओनली, दिस कम्स आउट टू बी देर इज वन बाय टू, एक वन बाय टू भी होना चाहिए आपके पास, दिस कम्स आउट टू बी आपके कैंसिल हो गया, इधर रह गया वन और इधर भी क्या रह गया आपका वन, राइट। सो इनइक्वालिटी में, सो अल्टीमेटली आपका समेशन आई रनिंग फ्रॉम वन 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 प्लस वन, इट कम्स आउट टू बी हाफ, रुक जाओ बेटा यहाँ वन बाय टू आप लिखिए, मैं देखती हूँ कहाँ पीछे मिस्टेक हुई है। सो दिस कम्स आउट टू बी दिस अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स पी इंटू नॉर्म ऑफ वाई क्यू, दिस इज, ठीक है दिस इज हाफ एंड दिस कम्स आउट टू बी वन। सो अब हम इसको क्लियर, इसको ये अल्टीमेटली आपका क्या बनेगा, समेशन आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन एक्स आई मॉड वाई आई मॉड इज लेस देन और इक्वल, जो नीचे पड़ा था बच्चे वो इधर आ जाएगा, norm of xp norm of yq, right? So this is summation I running from 1 to n xi yi mod is less than or equal to, this becomes norm of xp and this, ye lijiye beta aapki inequality puri ho jati hai, that is summation I running from 1 to n xi yi mod is less than or equal to, aur yahan pe aa gaya summation I running from 1 to n xi raised to power p whole raised to p, इसकी वैल्यू लगा दी, इधर समेशन j रनिंग फ्रॉम i, i रनिंग फ्रॉम 1 टू n y i raised to power p q whole raised to power 1 by q, so this completes the holder's inequality and this inequality useful for to prove the Minkowski's inequality for LPN spaces, right?